नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स मेघालय शिलोंग में। और ये है ग्रीनोलाइन स्विमिंग पूल, जहां पर तैराकी के इवेंट्स के आज 5 फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं और 5 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों की। प्रशांता हैं त्रिपुरा के असम के 2 प्रतिभागी हैं और मणिपुर के देवराज अपनी चुनौती पेश करेंगे। दर्शकों के बीच खासा उत्साह इस इवेंट को लेकर, और स्विमिंग जो है वो ब्लूबेरी इवेंट कहा जाता है किसी भी स्पर्धा का, तो उम्मीद यही होगी कि यहाँ भी स्विमिंग को उसी ढंग की पॉपुलैरिटी मिलेगी जो दूसरे गेम्स में मिलती रही है। और यहाँ पर 4 प्रतिभागी हैं, त्रिपुरा के प्रशांत, असम के अंशुमान कश्यप, असम के ही दिशांत हैं और मणिपुर के देवराज सिंह। लेन नंबर 1 पर नजर रखिएगा प्रशांत पोदार। और इसके साथ ये शुरू हो गया है 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों की प्रतियोगिता। बढ़त बनाने की कोशिश चल रही है, यहाँ तीनों खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। लेन नंबर 3 पर नजर रखिए, लेन नंबर 3 पर दिशांत है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर बढ़त दिशांत के पास है, कड़ी टक्कर मिल रही है उनको लेन नंबर 2 पर अंशुमन कश्यप से। लेकिन लेन नंबर 3 दिशांत अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही ये फोटो फिनिश में मुकाबला जा सकता है, लेकिन अभी भी जो बढ़त है वो दिशांत के पास है। 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों की ये तैराकी की स्पर्धा क्रीनोलाइन स्विमिंग पूल पर चल रही है और गजब का शुरू से जो बढ़त हासिल की है उसको कामयाब रखने में, बढ़त को बनाए रखने में कामयाब हुए हैं दिशांत। लेकिन लेन नंबर 2 पर भी नज़र बनाए रखनी होगी, अंशुमान कश्यप जो असम के हैं, काफ़ी कड़ी चुनौती। लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पर लेन नंबर 1 में जो खिलाड़ी हैं असम के दिशांत, उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल श्रेणी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये ऑफिशियल रिजल्ट, दिशांत ने 56.16 सेकंड का समय लेकर ये जीत हासिल की है। असम के अंशुमान ने 56.66 सेकंड समय लिया और ये है पदक वितरण समारोह। और त्रिपुरा के जो प्रशांता थे, उन्होंने 59.75 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। ये है प्रशांत पोदार, जिन्होंने जीता है कहां से पदक इस मुकाबले का, 100 मीटर फ्री स्टाइल। रजत पदक जाता हुआ अंशुमान कश्यप को असम के। और ये हैं अब 100 मीटर फ्री स्टाइल के गोल्ड मेडलिस्ट, चैंपियन ऑफ दिस इवेंट असम के दिशांत, 56.16 सेकेंड। बधाई हो। और ये लम्हे ऐसे हैं जो लंबे समय तक खिलाड़ियों को याद रहेंगे। इवेंट नंबर 2 की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और ये है स्टार्टिंग लाइनअप 100 मीटर फ्री स्टाइल महिलाओं की, मणिपुर की देकालू, असम की जहनाबी और असम की ही दर्शिता भी चुनौती पेश करेंगी और मणिपुर की सिद्धिका हैं। लेन नंबर 1 पर देकालू मणिपुर की हैं, लेन नंबर 2 पर हैं असम की जानवी, लेन नंबर 3 में असम की दर्शिता और 4 पर है मणिपुर की सिद्धिका। मणिपुर की सिद्धिका महिलाओं की 100 मीटर फ्री स्टाइल, इसके साथ ही शुरुआत हुई है। शुरुआत में खिलाड़ी बढ़त बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। लेन नंबर 2 पर नजर रखिए, असम की जान भी काफी तेज बढ़त बनाने की कोशिश, लेकिन लेन नंबर 3 और 4 से उनको कड़ी टक्कर मिल गई है। 4 थोड़ी पिछड़ सी गई है मणिपुर की सिद्धिका। लेन नंबर 2 अपनी लीड को लगातार बढ़ाती हुई जानवी कश्यप, असम की तैराक है पुरुषों के बाद अब महिलाओं की तैराकी प्रतिस्पर्धा में भी जो रोमांच है अपने चरम पर पहुंचता हुआ, साथ ही असम का दबदबा भी दिख रहा है। वन साइड लीड पर चली गई है, एक तरफा मुकाबला अपने लिए बना लिया है यहां पर जानवी कश्यप ने। दर्शकों के उत्साह के बीच तेज गति से आगे बढ़ती हुई और अब ये फाइनल फ्रंटियर की तरफ जा रही हैं। कोई भी तैराक उनको कड़ी चुनौती नहीं दे रहा है और वो इस बात से बखूबी वाकिफ है, बहुत आसानी से बिना किसी दबाव के या हड़बड़ी के अपने लक्ष्य की तरफ जाती हुई स्वर्ण पदक पक्का कर लिया है उन्होंने। और इसके साथ ही बड़े मार्जिन से जानवी कश्यप ने, जो असम की हैं, उन्होंने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। 1 मिनट 1.51 सेकेंड का समय लिया
असम की ही दर्शिता दूसरे स्थान पर रही 1:06.96 के साथ, और मणिपुर की देकालू ने जीता है इस इवेंट का राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर द विनर ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल 10.65 सेकंड। In second place and winner of the silver medal with a timing of 1:06.96 seconds, representing Assam, रजत पदक चाहता हुआ असम की दर्शिता के नाम, जिन्होंने 1:06.96 सेकंड का समय निकाला था। And the winner, और इस 100 मीटर महिलाओं की फ्रीस्टाइल तैराकी की चैंपियन है स्वर्ण पदक विजेता असम की जाम्बी कश्यप, 1:01.51 सेकंड का समय लिया, लगभग 4 सेकंड के अंतर से इन्होंने ये जीत हासिल की है। और तैराकी में जो 4 सेकंड का अंतर होता है वो बहुत बड़ा अंतर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 4x50 मीटर्स फ्रीस्टाइल रिले फॉर विमेन, तीन खिलाड़ी चैंपियन फॉर द विनर्स ऑफ द 4x50 मीटर्स फ्रीस्टाइल रिले फॉर विमेन फ्रीस्टाइल महिलाओं की। अब तीसरे इवेंट के फाइनल मुकाबले की शुरुआत होती हुई यहाँ पर, ये 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक है पुरुषों का, और यह है लाइनअप, असम के मारी गंगा, मणिपुर के ठौबा मैती, मणिपुर के ही हैं जेसन मैती, और असम के अंशुमान कश्यप जिन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों की स्पर्धा में भी अपनी चुनौती पेश की थी। लेन नंबर 1 पर हैं असम, 2-3 पर मणिपुर, और 4 पर है असम के अंशुमान कश्यप। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक की शुरुआत होती हुई, ब्रेस्ट स्ट्रोक जैसा नाम से ही पता है कि जो ब्रेस्ट का हिस्सा है यानी जो धड़ है वो ज्यादा कारगर होता है, बाकी शरीर के दूसरे हिस्से इसमें कम गतिशील होते हैं, और यही कारण है कि स्विमिंग की ये विधा जो है उस विधा में सबसे कम तेज गति की स्विमिंग देखने को मिलती है। लेकिन कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, मणिपुर के जेसन मैती पर नजर बनाए रखिए, लेन नंबर 3 पर है जेसन और स्वर्ण पदक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कठिन टक्कर, और लेन नंबर 3 में मणिपुर के जेसन मैती ने इस मुकाबले को जीत लिया है, 31.75 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक उनके नाम गया है। उनके ही राज्य के थौबा मैती ने 32.26 सेकंड समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, और असम के मारी गंगा गोगोई ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आपकी स्क्रीन पर हैं असम के सिल्वर मेडल विद अ टाइमिंग ऑफ 22.26 सेकंड्स गोज टू मोइरांगथम थौबा मैती फ्रॉम मणिपुर मुख्य अतिथि, एंड द विनर ऑफ द गोल्ड मेडल इन द 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक मेन विद अ टाइमिंग ऑफ 31.75 सेकंड्स एंड रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ मणिपुर निंगोम्बम जेसन मैती ने 32.26 सेकंड का समय कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने, और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक पुरुषों की स्पर्धा के चैंपियन है स्वर्ण पदक विजेता मणिपुर के निंगोम्बम जेसन मैती, विनर ऑफ द गोल्ड मेडल विद अ टाइमिंग ऑफ 31.75 सेकंड का समय निकाला है, रिप्रेजेंटिंग मणिपुर का प्रदर्शन किया है जेसन मैती। दर्शन एक शुरुआत है, एक आगाज है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बेहतर करने का, अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिहाज से देखें तो। दर्शक खड़े होकर चैंपियंस का अभिवादन कर रहे हैं, और अब पारी है अगले इवेंट की, स्विमिंग के ब्लूबेरी इवेंट कहा जाता है किसी भी प्रतियोगिता का, और ये जो लाइनअप है ये लाइनअप है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक महिलाओं की, जिसमें मणिपुर की 2 तैराक हैं और असम की 2 तैराक हिस्सा ले रही हैं। लेन नंबर 2 में है असम की दिशा गोगोई, अभिवादन स्वीकार करती हैं। लेन नंबर 3 पर ही हैं असम की निमृति चेरियन दत्ता, लेन नंबर 4 पर मणिपुर की नंबर 1 की बात करें तो केवाशारी देवी, ये लाइनअप आता हुआ मणिपुर की कंगबाम केवाश्री देवी, असम की दिशा गोगोई, असम की निवित्री चेरियन दत्ता, और मणिपुर की हतनुनेम हाकोई। ये 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक महिलाओं की स्पर्धा शुरू होती हुई, यहाँ भी जो शरीर के दूसरे हिस्से हैं वो कम मूवमेंट करते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जोर जो है वो अपर बॉडी को लगाना पड़ता है, और इसमें ज़्यादातर समय जो सर है वो पानी के बाहर रहता है, ऐसे में बहुत ही मुश्किल चुनौती, और चुनौती के साथ साथ बहुत
कम स्पीड का ये इवेंट माना जाता है स्विमिंग के सारे इवेंट में, लेकिन लेन नंबर टू पे नजर बनाए रखिए, लेन नंबर टू में है दिशा गोगोई और बढ़त काफी बड़ी बना ली है उन्होंने, स्वर्ण पदक असम की तरफ जाता हुआ दिशा गोगोई बहुत अच्छे से इस मुकाबले को अपने पक्ष में करती हुई। जी हाँ, दिशा ने इस मुकाबले का स्वर्ण पदक जीत लिया है और सेलिब्रेट करने का नायाब अंदाज स्विमिंग पूल पर दिखता हुआ। चारों को ले कड़ी टक्कर दी थी उन्हें लेन नंबर तीन से और ये आधिकारिक परिणाम, दिशा गोगोई ने स्वर्ण पदक जीता है, निवित्री चेरियन दत्ता ने रजत पदक और कंगबाम के वाश्री देवी जो मणिपुर की हैं उनके खाते में गया है कांस्य पदक। कमाल का प्रदर्शन असम के तैराकों का रहा है आज के फाइनल इवेंट्स में है। The winner of the bronze medal with a timing of 40.72 seconds representing the state of Manipur, Kangabam Kevashri Devi. और यहां पर निवित्री चेरियन winner of the silver medal with a timing of 39.34 seconds and representing Assam, Devriti Cherian Datta. और ये हैं निवित्री चेरियन दत्ता, 39.34 सेकंड का समय निकाला है इन्होंने, रजत पदक इनकी झोली में आता हुआ। और ये हैं इस इवेंट की चैंपियन, स्वर्ण पदक विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक विमेन एंड द विनर ऑफ द गोल्ड मेडल 37.38 इन द 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फॉर विमेन representing the state of Assam with a timing of 37.83 seconds, Disha Gogoi. Champions Mike. फोटो पोस्ट की है जो लंबे समय तक इनके जहन में याद रहेगा तस्वीरों के माध्यम से, और इन्होंने जो किया है उसके लिए भी ये सराहे जाएंगे। और अब आज के इस स्विमिंग इवेंट का अंतिम फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है, 100 मीटर बैक स्ट्रोक, ये महिलाओं की प्रतियोगिता है। बैक स्ट्रोक में बीच के बल तैराकी आप देखेंगे, लेन नंबर वन पर है असम की रानी चेतिया, लेन नंबर टू पर है मणिपुर की जेसी का चानू, लेन नंबर तीन पर कृष्णाली डोले और लेन नंबर चार पर है मणिपुर की सिद्धिका। असम और मणिपुर के बीच ही ज्यादातर तैराकी मुकाबलों में फाइट देखने को मिली है, पोजीशन लिया और इसके साथ ही ये स्टार्ट हो गया है मुकाबला। 100 मीटर बैक स्ट्रोक महिलाओं का, नजर बनाए रखिएगा लेन नंबर तीन पर कृष्णाली डोले, बहुत बना ली है उन्होंने लेन नंबर तीन पर, उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं मणिपुर की जेसिका चानू। जेसिका चानू जो इस समय लेन नंबर टू में है, लेन नंबर तीन वर्सेस लेन नंबर टू, एक और चार लगभग ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही फाइट कर रही हैं, लेकिन अब तीन पर कृष्णाली डोले ने बढ़त बना ली है और एक बार फिर 50 मीटर कंप्लीट होने के बाद फोकस इस समय पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है कृष्णाली डोले के ऊपर। टक्कर जरूर मिल रही है वहां मणिपुर की जेसिका चानू से, लेकिन हिम्मत बनाए रखी है, कांटे की टक्कर के बीच भी अपनी बढ़त नहीं गमाई है। ये अंतिम के 25 मीटर हैं, ये 25 मीटर तय करेंगे कि स्वर्ण पदक किसके नाम जाएगा, रजत पदक का विजेता कौन होगा। लेकिन असम के प्रशंसकों को पूरी तरह उम्मीद है कि कृष्णाली डोले एक और स्वर्ण पदक जोड़ने में सफल होंगी। बिल्कुल 5 मीटर बाकी रह गए हैं और कृष्णाली की बढ़त बरकरार है, और इसके साथ ही कृष्णाली डोले ने इस इवेंट का जीत लिया है स्वर्ण पदक। कमाल का प्रदर्शन किया था, शुरू से ही बढ़त अपने पास रखी और रजत पदक जाता हुआ यहां पर मणिपुर की जेसिका चानू के नाम। और कांस्य पदक की जो लड़ाई थी वो लेन नंबर एक वर्सेस लेन नंबर चार में थी और विजेता बनी है लेन नंबर एक की असम की रानी चेतिया। कृष्णाली डोले ने 1:15.59 सेकंड का समय लिया, मणिपुर की जेसिका चानू ने 1:16.79 सेकंड का समय लिया, और दर्शक भी अभिवादन करते हुए ये हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असम की रानी चेतिया जिन्होंने 1:24.73 सेकंड का समय लिया। ये हैं From Manipur, Silver with a timing medalist, of 1 minute, मणिपुर की जेसिका चानू 1:16.79 सेकंड का समय। यहाँ हर कोई स्वर्ण पदक जीतने आया था, लेकिन विजेता तो कोई एक ही बनता है, और ये हैं गोल्ड मेडलिस्ट यानी गोल्डन गर्ल ऑफ 100 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल असम की कृष्णाली डोले।
एक मिनट 15.59 सेकंड का समय लिया है और चेहरे की खुशी बता रही है कि जब मेहनत सफलता में बदलती है तो कितनी खुशी मिलती है। थैंक यू वेरी मच ऑफिशियल्स।